मुझे बड़ा इस रात का दुख है कि मुझे विकट परिस्थितियों में यहां आना पड़ा। एक घटना हुई है और वो इस देश का मैं भाग्य दुर्भाग्य भरोसा नहीं करता, लेकिन शब्दावली में वो दुर्भाग्य है कि आज भी देश अंदर से इस तरह टूटा हुआ है ना जाति धर्मों में कि हम लोग एकजुट नहीं हो पाए। उसका खामियाजा इस देश को भुगतना पड़ रहा। आज हमारे पीछे हटने का सबसे बड़ा कारण ये भी कि हम लोग यूनाइट ही नहीं हुए, हम देश ही नहीं बने। हम अभी तक जाति धर्मों में इस तरह बटे हुए ना कि हम एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो ये जो जाति के आधार पे जो अत्याचार है, ये जो यहां हुआ है, मैं उस परिवार के साथ हूं और उनकी बात सुनने के लिए, उनकी बात मैंने सुनी भी। और यहां के जो SSP हैं और यहां के जो DM हैं, दोनों अधिकारियों से, सीनियर अधिकारियों से मैंने बात की और मैंने कुछ मांगे उनके सामने रखी। पुलिस के जो अधिकारी, उनसे तो मेरी मांग यही है कि वो जो जांच है, क्योंकि आरोपी अपने आप को बचाने का प्रयास करेगा और हम देख भी रहे हैं आरोपी बहुत तेज हो गए। कई मामले में हमने देखा, हाथरस में देखा, हमने लखीमपुर वाले मामले में देखा कि किस तरह से सत्ता में बैठे लोग आरोपियों को बचाने काम कर रहे थे। तो हमने उनसे मांग की और वो अपने आप ही प्रयास कर रहे हैं। वो पोलियोग्राफी टेस्ट करा रहे हैं जिन लोगों पे शक है। पीड़ित परिवार ने जो नाम दिए हैं कि भाई इन लोगों पे हमें शक है, इन्होंने ये वो लोग हैं जिन्होंने इस घटना को कारित किया, तो उन्होंने विश्वास दिलाया कि वो अच्छी तरह कर रहे हैं। और जबकि अगर हमें ऐसा लगेगा कि कहीं पुलिस इस कार्य को अच्छी तरह नहीं कर रही, तो हम इस जांच को भी ट्रांसफर कराएंगे। क्या CBI जांच की भी मांग करेंगे या स्टेट ट्रांसफर की मांग करेंगे? पोलियोग्राफी टेस्ट के बाद, क्योंकि मेरे पास एविडेंस है, मैं भी इसलिए पुलिस को नहीं दे रहा हूं क्योंकि मैं देख लूं कि पुलिस किस तरह कार्रवाई कर रही है, उसमें वो क्या निकाल रही है, क्या वो भी फैक्ट और एविडेंस कलेक्ट करके उनको सजा दिलाने में भरोसा कर रहे हैं या वो उनकी मदद कर रहे हैं। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट फैक्टर है जानने का कि अगर पुलिस न्याय दिलाने का काम कर रही है तो ठीक है, नहीं कर रही है तो फिर हम अपने तरीके से लेंगे। तो हमारी ये मांग है कि पोलियोग्राफी टेस्ट जल्दी हो जाए और उसके बाद फिर हम अपनी उस पर आगे की जो मांगे उन पर बात करेंगे। इम्पोर्टेंट मांग जो मैंने यहाँ के जिलाधिकारी से रखी वो ये है कि पीड़ित परिवार को, क्योंकि उनके जो घर के मुखिया थे वो चले गए, उनके तीन छोटे बच्चे, तीनों नाबालिग, एक बेटी है, दो बच्चे हैं, दो तीनों लोग पढ़ना चाहते हैं, उनकी पत्नी है, उनका कच्चा मकान है। बड़े बड़े वादे करती है सरकारें, पक्का मकान है, देंगे रोजगार, देंगे ये करेंगे, वो सब चीजें धरापत्तल पे कहीं नहीं होती। तो उनका पक्का मकान है, उनके लिए पक्का मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के थ्रू उनको मिले, वो पात्र हैं तो उनको मिले, ऐसी मैंने उनसे मांग की है। मैंने मांग की है कि उस परिवार को, कि वो मुख्यधारा से जुड़ा रहे, तो उसको 1 करोड़ रुपए का मुआवजा जो है सरकार दे, क्योंकि अभी जो उनको मदद हुई है वो कंपनसेशन एक्ट का है, सरकार ने कुछ नहीं किया। सरकार के अपने लोगों को छोड़ देगी, अपने प्रदेश के लोगों की, वो मरने, जिनकी हत्या भी कर दी गई, जिनका शोषण हुआ कि वो मरे भी अकेले, ये परिवार कोर्ट में केस कैसे लड़ेगा? तो इनके पास जब ये आर्थिक सशक्तिकरण नहीं होगा तो उनको नौकरी, एक सरकारी नौकरी, और जो एक्ट में प्रोविजन है पेंशन का, उनकी पत्नी को पेंशन दे और एक सरकारी नौकरी की व्यवस्था करे। और मैंने उनसे मांग भी की है कि वो इस परिवार की बुनियादी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उनके लिए जमीन की व्यवस्था करे, ये दे सकती है। और ये गवर्नमेंट ने इस पे बहुत पुराने समय से काम किया था कि वो वंचित वर्गों को जमीन, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन कर सकती है जिससे कि वो अपने परिवार को चला सके। तो कुछ इम्पोर्टेंट मांग जो मुझे लगती है, जो आज भी यहां धोखा है, वो ये कि गरीब के सपने कुचले जाते हैं, वो नहीं पढ़ सकता क्योंकि शिक्षा महंगी होगी। तो मैंने उन तीनों बच्चों की अच्छी शिक्षा की मांग की है कि सरकार उसका खर्चा उठाए और वो जो भी पढ़ाई करना चाहते हैं सरकार उस पढ़ाई में उनकी मदद करे। उनको अधिकार है, जैसे मुझे अधिकार है तैसे उनको भी अधिकार है, वो अच्छी अच्छी शिक्षा लें। लेकिन लेंगे कैसे, इसकी व्यवस्था जो है वो जिलाधिकारी जी करनी पड़ेगी। और हमारी मांगों पे हमारा समय है 10 से 12 दिन का, जो यहाँ की यूनियन ने तय किया है। मुझे फिर 10 दिन बाद वापस भी लौटना है। मांगों पे काम नहीं होगा तो फिर हम आगे की कार्रवाई जो है ना सुनिश्चित करेंगे। अगर हमें धरना देना पड़ा देंगे, और बिना धरने काम हो जाता तो बहुत अच्छी बात है। आप उत्तर प्रदेश से हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, सहारनपुर से हैं। आप भीम आदमी जो कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ की बात करती है, आप खुद भी बहुत उच्च शिक्षित हैं, लॉ आपने किया है, तो आप जैसे ही, आप पे एक आरोप है कि सहारनपुर में दंगों को लेकर, और मई 2017 से आपको काफी समय तक योगी सरकार ने जेल में रखा, और उसके बाद भी फिर जब आपने CAA को सपोर्ट किया, CAA मतलब जो उसके खिलाफ आंदोलन को सपोर्ट किया, तब फिर भी आपको प्रयास किया गया, और दिल्ली में भी जो मंदिर का मसला रहा उस पर भी फिर आप पे आरोप लगे, आपने मुझे स्टडी किया। तो किस तरह से आप, मतलब ये सब चीजें, देखिए जब कोई अपने हक के लिए लड़ने आता है ना, चुप जाता है लोग, तो वो उसको रोकने का प्रयास करते हैं, जो होना चाहिए और हम वो करके दिखाएंगे, इससे हमें कोई नहीं रोक सकता। दोबारा अपनी लाइन को दोहरा देता हूँ, समय लग जाए, कोई निर्दोष ना जाए, लेकिन कोई दोषी बचे ना, इस पे हमें काम करना चाहिए। वो जांच करा रहे हैं,
समय लगा तभी तो मैं यहाँ हूँ, अगर समय से कर दिया तो मैं यहाँ क्यों होता। लेकिन मैं चाहता हूँ ना कि जांच हो और जो आरोपी है जिसने किया है अपराधी है उसको जेल भेजा जाए, उसके बचाव को नहीं होने देंगे हम। तो हम अपनी ताकत को अपने अधिकारों को जानते हैं। लेकिन मैंने कहा ना कि अगर एक बार भी मुझे लगा कि यहाँ की पुलिस और प्रशासन मिलकर आरोपियों की मदद कर रहा है, उनको बचा रहा है जैसा लंबे समय से होता आ रहा है, फिर जिस चंद्रशेखर को वो देखना चाहते थे ना चंपावत के लोग, फिर वो उसको देख पाएंगे। तो उनसे उम्मीद कीजिए कि ऐसा ना हो, क्योंकि जिस दिन वो चंद्रशेखर आएगा तो तब चंपावत का माहौल गर्म रहेगा, सर्दी में भी टेम्परेचर जो है वो गर्म रहेगा। एक आखिरी सवाल ये है कि अब आप राजनीति में भी आ गए हैं, बहुजन समाज पार्टी होने के बाद अब आपने आजाद समाज पार्टी बनाई है, काशीराम जी मायावती जी ने समाज सुधार की कोशिश की बांध से बनाया, तो अब आप चुनाव लड़ेंगे जी। तो क्या उत्तर प्रदेश में आपका एक पहले मकसद था कि बीजेपी की सरकार को हटाना है 2019 में, वो नहीं हो पाया, तो 2022 नजदीक है, उत्तर प्रदेश में क्या कोलैबोरेशन करेंगे और उत्तराखंड में क्या स्थिति आपकी रहेगी, कैसे मुद्दे रहेंगे? एक लाइन से आपकी सारी चीजों के जवाब बड़े अच्छे तरीके से मैं दे सकता हूँ। जिस आंदोलन को वो लोग पहले चला रहे थे उसमें वो सफल नहीं हो पाए, और सफल नहीं हो पाए तो हम उस आंदोलन को असफल होने के लिए नहीं छोड़ सकते, उसको सफल करना है, इसलिए कुछ और लोगों को उसको चलाने की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, हमने जिम्मेदारी ली। तो काशीराम साहब कहते हैं मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग रुकने देते। मैं यहां राजनीतिक काम करने के लिए अपने लोगों की हक की लड़ाई लड़ने के लिए चंपा बताया, तो मैं समझता हूं कि यूपी में हम उन्हें रोक नहीं पाए, क्योंकि यूपी का इलेक्शन 2017 के बाद अभी नहीं हुआ, अब 22 में इलेक्शन है। 2019 में हमने प्रयास किया लोकसभा उनको रोके, इसलिए सफल नहीं होगा क्योंकि विपक्ष के लोग बटे हुए थे। हम 22 में प्रयास कर रहे हैं कि हम यूपी में भी उनको रोक दें और उत्तराखंड में भी, और विश्वास कीजिए हम उनको उत्तराखंड में भी रोकेंगे और यूपी में भी। और ऐसी सरकारों की हमें कोई जरूरत नहीं जो जिनका चरित्र न्यायप्रिय, जो न्याय नहीं कर सकती हो, ऐसी सरकारों ऐसे नेताओं को भी। अब मैं आपको बहुत जल्द ना यहाँ के नेताओं की कुंडलियां निकाल के दूंगा कि वो उन्होंने राजनीति में आकर सेवा की है या अपने घर भरे हैं, मैं आपको दूंगा। और मैं उम्मीद करूंगा कि यहाँ की मीडिया दिखाए कि जिन नेताओं के भरोसे यहाँ की जनता है, उन नेताओं ने सिर्फ और सिर्फ अपने विकास के अलावा क्षेत्र का कोई विकास नहीं किया। आज जो हालात है ना, वो उसके लिए वो नेता जिम्मेदार है जो उस विभाग में मंत्री बने बैठे और कुछ चेंज नहीं हो रहा। तो आजाद समाज पार्टी उत्तराखंड में सभी सीटों पर लड़ेगी, जो 70 सीटों इसके लिए यहाँ हमारे प्रदेश अध्यक्ष है वो तय करेंगे, यहाँ की यूनिट तय करेंगी, मैं सिर्फ वर्कर हूँ आजाद समाज पार्टी का। हमने 3 प्रत्याशी, आपने पीतल नगरी बनाई, उद्योग नगरी बनाई, अपने हाथों से अपने खून अपने पसीने से बनाई, इस सरकार ये सरकार सिर्फ अंधेर नगरी बनाती है, और अंधेर नगरी का चौपट राजा है।